हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होममेड किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ दही भल्ले। ये दिल्ली की मशहूर डिश है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर ये ऑयल फ्री हो तो बस बात ही क्या है। तो आइए, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि ये ऑयल फ्री दही भल्ले हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिए हैं हमने 150 ग्राम के करीब मूंग की दाल। इसे 3 से 4 घंटे भिगा के रखना है। उड़द की दाल भी लिए 150 ग्राम, इसे भी 3 से 4 घंटे भिगा के रखना है। अब हम अपनी सारी दालों को मिक्सी के फ्लास्क में ले लेंगे और इसे पीस लेंगे। ये पीस चुकी है, इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच नमक, किसी हुई अदरक, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप जितना भी तीखा खाना चाहें, और इसे पीस लेंगे। ये हमारी दाल हो चुकी है। अब इसे 5 से 10 मिनट तक हम अच्छे से फेटेंगे। अब हम अपनी कटोरियों को ग्रीस कर लेंगे। ये हम स्टीम से बना रहे हैं इसलिए हम कटोरियां ग्रीस करेंगे, और दूसरी तरफ हमें पानी भी गर्म होने के लिए चढ़ा देना है। आप जिसमें भी बनाना चाहें। ये हमारी कटोरियां ग्रीस हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इनो और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी कटोरियों में इसे डाल देंगे। अब हमने स्टीम के लिए रख दिया है। इसे मीडियम आंच पे रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए हमारे हो चुके हैं, ये अब ठंडे भी हो चुके हैं, इन्होंने साइड्स पे छोड़ दिया। आप टूथपिक से इसे चेक भी कर सकते हैं किए हुए हैं कि नहीं। ये देखिए अभी आसानी से निकल आ रहे हैं। अब हम अपने सारे भल्लों को निकाल लेंगे। ये देखिए इनमें जाली भी अच्छी आ गई है। ऐसे हम सबको निकाल लेंगे। ये ठंडे हो जाएं, फिर इसे हमें थोड़ा गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल के इन सबको 10 से 15 मिनट के लिए भिगा देना है। अब हमने 2 कटोरी दही ली है, इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 2 से 3 चम्मच चीनी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने भल्लों को प्लेट में लेंगे और इनके ऊपर दही को डालेंगे। अब हम इनमें इमली की चटनी डालेंगे। धनिया की तीखी चटनी, बॉईल किए हुए आलू, बूंदी, अनार, पिसा भुना हुआ जीरा, नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी चटनी और डालेंगे। देखिए हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है, आप इसे बनाइए और आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।